Hello, medicos, Today we'll be doing hemostasis. What is the definition of hemostasis? Hemostasis is arrest of bleeding. Arrest of bleeding while maintaining the blood in the fluid state within the vascular system. So wherever the bleeding is taking place, that bleeding must be stopped. But the blood should be in the fluid state only. Okay. So this is the main uh, definition of hemostasis: arrest of bleeding. Okay. This occurs due to complex interaction between the vessel wall, platelets, and the plasma proteins. This line is very important. Complex interaction between the vessel wall, platelets, and plasma proteins, mainly like fibrinogen. Okay. So now, it is broadly divided into two stages first primary hemostasis, and then secondary hemostasis. Primary hemostasis is temporary. Okay. So, what happens? Uh, this is the initial stage. Here, the vascular wall and the platelet interact. ठीक है टू लिमिट द ब्लड लॉस फ्रॉम द डैमेज वेसल अब वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे विल सी द होल मैकेनिज्म आफ्टर दिस ठीक है दिस प्लेटलेट प्लग यहाँ पे जो प्राइमरी हिमोस्टास में जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है इट डज नॉट स्टॉप द ब्लीडिंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन थोड़े टाइम तक ही रहता है ठीक है नाउ सेकेंडरी हिमोस्टाइसिस दिस इज अ स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट ठीक है इट इज फ्रॉम फ्रॉम क्लॉटिंग फैक्टर्स बाय एंजाइमेटिक रिएक्शंस क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन से फाइब्रीन वगैरह ओके नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स हम वो भी आके देखेंगे ठीक है नाउ द स्टेप्स इन हीमोस्टेसिस आर वैसो हिमोस्टाइसिस हीमोस्टेटिक प्लग फॉर्मेशन ये जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस था ठीक है हीमोस्टेटिक प्लग फॉर्मेशन एंड फाइनली ब्लड क्वैकुलेशन विच विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द डेफिनेटिव प्लग या फिर सेकेंडरी हीमोस्टेसिस ओके ना फर्स्ट इज वैसो कंस्ट्रक्शन वैसो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है बेसिकली जो वैसल में अभी डैमेज हुआ है सबसे पहला रिएक्शन वो वैसल का रहेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ठीक है सो द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द वेस्कुलर स्मूथ मसल इन रिस्पॉन्स टू इंजरी दिस इज द फर्स्ट वेरी फर्स्ट मोस्ट रिस्पॉन्स ठीक है इंस्टेंट रिडक्शन इन द लॉस ऑफ ब्लड पहले थोड़ी देर में क्या होता है दिस इज अकेनिकल रिस्पॉन्स बिकॉज वो एरिया स्ट्रेच होता है इसलिए वहां पर कॉन्ट्रेक्शन इंड्यूस होता है दैट इज इनिशियली लेकिन बाद में वैसो कंस्ट्रक्शन इज मेंटेन्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ वैसो कंस्ट्रक्टिव सब्सेंसेज वैसो कंस्ट्रक्टिव सब्सटेंसिस कौनस इज सेटोनियन विच इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिवेटेडेडेड प्लेटलेट्स सो इनिशियली इट इज अ मैकेनिकल रिस्पॉन्स एंड बाद में इट अकर्स ड्यू टू जेरोटोनियन ठीक है नाव टेम्प्ररीमोस्टेटिक प्लग फॉर्मेशन दिस इज योर सेकंड स्टेप अब इसमें तीन स्टेप्स है प्लेटलेट एडेशन प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड रिलीज रिएक्शन सो बेसिकली व्हाट इज प्लेटलेट एडिशन जो प्लेटलेट्स है उनकी मोर अफिनिटी रहती है टू द एंडोथिलियम टू स्टिक टू द एंडोथिलियम सो दैट इज ओनली प्लेटलेट एडेशन वट इज प्लेटलेट एग्रीगेशन के प्लेटलेट्स की ज़्यादा अफीनिटी बढ़ जाती है टू स्टिक टू ईच अदर ठीक है एंड रिलीज रिएक्शन में सर्टन सब्सटेंसेज रिलीज होंगे जैसे हमने पिक्चर भी देखा था सेरेटोनिन विच इंड्यूसर्स वेस्टोकस्ट्रक्शन और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर थ्रोम्बोक्न एंड सेरोटोनिन एंड थ्रोम्बोसपॉन्डिन एंड थ्रोम्बोनेक्टिन ये सारे रिलीज रिएक्शन में वो सब रिलीज होंगे ना वॉट इज प्लेटलेट एडिशन अगैन प्लेटलेट्स हैव हाई अफिनिटी टू एडियर टू द एक्सपोज वेस्कुलर वॉल जो एक्सपोज हुई है वेस्कुलर वॉल उसको एडियर करने की ये क्यों एडियर होता है बिकॉज ऑफ द एक्सपोज कोलाजन एंड वन विलीब्रांड फैक्टर ये जो दो फैक्टर्स है कोलेजन और वॉन वेलीब्रेंड फैक्टर्स जिसा प्रेजेंट जी नहीं है ई सी एम तो ई सी एम में कोलेजन प्रेजेंट रहता है ठीक है सो वेन प्लेटलेट्स कोलेजन को देखते हैं प्लेटलेट्स हैव रिसेप्टर्स फॉर कोलेजन एंड वॉन वेलीब्रेंड फैक्टर तो वो वेस्क्युलर वॉल को अडियर होते हैं ओके सो नॉल द अदर फैक्टर्स दैट कंट्रोल द प्लेटलेट एडिशन डेप्थ एंड डिग्री ऑफ इंजरी जितनी ज़्यादा डेप्थ रहेगी जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ इंजरी रहेगी उतना ज़्यादा एबिलिटी टू अडेड टू द एक्सपोज वेस्कुलर वॉल उतना ज़्यादा बढ़ेगा ठीक है नेक्स्ट इज अट ऑफ इंजरी अकर्स मोर इन म्यूको क्यूटेनियस टिश्यू म्यूको क्यूटेनियस टिश्यू मतलब स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो टिश्यूज़ रहते हैं उसमें ज़्यादा जल्दी होता है ठीक है एज ऑफ द इंडिविजुअल में डिक्रीजेस विद द एज हिमाटोक्रीट से इंक्रीज जब रेड रेड ब्लड सेल्स जब ज़्यादा रहेंगे हिमाटोक्रीट जब ज़्यादा रहेगा तब प्लेटलेट एडिशन बढ़ेगा मैंने ये पहले भी बोला था सबसे सबसे अंदर सब अंदर एंड रहते हैं। बाहर प्लेटलेट्स एंड देन सेल्फ फ्री प्लाज्मा ठीक है तो अब यह आरबीसी अगर अंदर ज्यादा हो गए तो वो प्लेटलेट्स को और बाहर पुश करेंगे विच विल इंक्रीज अफिनिटी फॉर द वेस्कुलर एंडोथिलियम ठीक है देन स्पीड ऑफ द ब्लड फ्लो अगर फास्टर रहेगा तो एडिक्वेट टाइम नहीं रहेगा प्लेटलेट्स को वहाँ पे चिपकने के लिए एंड देन साइज ऑफ द ब्लड वेसल दिस डिटरमाइंस द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स ठीक है नेक्स्ट इज प्लेटलेट एग्रीगेशन इसमें क्या है प्लेटलेट्स स्टिक टू ईच अदर एट द साइट ऑफ द इंजरी ये कौन कौन इनिशिएट करेगा फाइब्रीन ग्लाइकोप्रोटीन टू बी थ्री ए ये एक रिसेप्टर है ठीक है ग्लाइकोप्रोटीन टू बी थ्री ए एंड थ्रोम्बिन ये तीन चीजें इसको प्रमोट करेगी फाइब्रीनोजन ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन टू बी थ्री ए एंड थ्रोम्बिन ओके देन प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड यहाँ पे जैसे ही एक मेरे को प्लेटलेट्स से हो जाएंगे देन दे बिकम एक्टिवेटेड एंड रिलीज सर्टेन केमिकल्स फ्रॉम देयर ग्रैन्यूल्स वो वो केमिकल्स कौन से कौन सा रह सकते हैं ए डी पी पी ए एफ एंड ये जो रहता है ए डी पी और ये पी ए एफ ये फर्दर और इसको प्रमोट करता है एग्रीगेशन को सो दिस बिकम्स अ साइकिल कि पहले क्या होगा एग्रीगेशन हुआ एग्रीगेशन की वजह से प्लेटलेट्स एक्टिवेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे क्या रिलीज करेंगे ए डी पी एंड पी एफ और ये क्या प्रमोट करेंगे एग्रीगेशन तो ये एक साइकिल बन जाता है ओके फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ टेम्प्रेरीमोसाइटिक्ल फॉर्मेशन नाउ प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड रिलीज इसमें क्या है प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड बाय द डैमेज वैस्कुलर एंडोथीलीम टिश्यू फैक्टर्स केमिकल्स लाइक ए डी पी पी एफ थ्रॉम्बेन कौन से कौन सी चीज़ें प्लेटलेट को एक्टिवेट करेंगी पहले तो डैमेज वैस्कुलर एंडोथीलीम सेकेंड क्या है टिश्यू फैक्टर्स ठीक है एंड थर्ड इज केमिकल्स लाइक ए डी पी पी एफ जो प्लेटलेट्स ही रिलीज कर रहा है एडीपी पी एफ थ्रामबेन एक्सेट्रा ठीक है सो दैट इज ये प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड रिलीज अब रिलीज में जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स रहेंगे वो क्या क्या रिलीज करेंगे तो so, सबसे पहले प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर देन थ्रोम्बोक्सिन एंड सेरेटोनिन एंड देन थ्रोम्बोस्पोंडिन एंड थ्रोम्बोनेक्टिन ये पांच चीजें रिलीज करेंगे नाउ अभी देखो अब सबका काम क्या है बेसिकली सबका यही काम है कि जो ग्रैन्यूल्स है रिलीज रिएक्शन है ना तो जो ग्रैन्यूल्स है प्लेटलेट्स के उसको प्लेटलेट के बाहर पुश करना है ताकि प्लेटलेट्स का एक्शन दिख पाए ठीक है सुनो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर अब ये कैसे इट इज़ अ फॉस्फोलिपिड एंड इट्स एक्ट आई जी प्रोटीन अब आपको जी प्रोटीन में अगर थोड़ी जिस्ट दे दूँ सो दिस इज योर सेल सपोज एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ठीक है अब इसमें ये जी प्रोटीन जो है जैसे ट्रांसमेंब्रेन सेवन ट्रांस मेम्ब्रेन उसके एक यूनिट रहती है बाहर की तरफ रिसेप्टर रहता है एंड अंदर इट इज़ कनेक्टेड टू द जी प्रोटीन अब जी प्रोटीन में क्या होता है बेसिकली अल्फा यूनिट बीटा यूनिट एंड गैमा यूनिट और अल्फा यूनिट से जुड़ा हुआ क्या होता है जी टी जी डी पी ये अल्फा यूनिट से जुड़ा हुआ होता है ओके okay? सुनाओ बाहर क्या होगा अगर बाहर से जो भी आया ठीक है कोई इगोनेस्ट आया उसने रिसेप्टर को एक्टिवेट किया उससे जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा तो ये जो अल्फा यूनिट है ये डिटैच हो जाएगा बीटा और गैमा यूनिट से सो नाउ अल्फा और जी डी पी ये वाली यूनिट जो है वो डिटैच हो जाएंगी तो बेसिकली जी डी पी इज़ नाउ कन्वर्टेड टू जी टी पी जैसे ही अल्फा एक्टिवेट होता है जी डी पी इज़ कन्वर्टेड टू जी टी पी और ये अब जो अल्फा जी टी पी वाली यूनिट है दिस विल गो परफॉर्म मैनी फंक्शंस ठीक है तो बेसिकली प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट करना या एन एल को एक्टिवेट करना दिस विल परफॉर्म सर्टन फंक्शन लाइक दैट ठीक है तो वो बस बेसिक है नॉट टू रिमेंबर दैट इन वेरी डीप ठीक है सो ना प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर क्या है इट इज अ फॉस्फोलिपिड इट एक्ट वाया जी प्रोटीन तो किसको एक्टिवेट कर देगा अब ये फोस्फोल आईपीएस सी एंड आई ग्लिसरॉल इफ यू वॉन्ट टू रिमेंबर इट देन रिमेंबर लेकिन uh, आप ये भी याद रख सकते हैं कि सीधा ये जो है जी प्रोटीन के वाया एक्ट करता है एंड इंक्रीजेस है साइडोप्लाजमिक कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन बस उतना है ठीक है अब साइटोप्लाज्म में कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन अब कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो जो माइक्रोफिलेमेंट्स वगैरह रहेंगे प्लेटलेट के अंदर दे विल प्रमोट द मूवमेंट ऑफ द ग्रैन्यूल्स आउटसाइड द प्लेटलेट तो इसका यही फंक्शन है कि कैल्शियम बढ़ा देना और माइक्रोफिलेमेंट्स वगैरह का कॉन्ट्रैक्शन कॉज कौ करके मूवमेंट्स ऑफ ग्रैन्यूल्स आउटसाइड द सेल प्रमोट करना ठीक है देन सो इज रॉम्बोक्सन एंड सेरोडोन इसका क्या है ये जो यहाँ पे डी बनता है डाई ग्लिसरॉल ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा विच इज एनजाइम फोस्फोलाइपिस ए टू एनजाइम फोस्फोलाइपिस ए टू अभी फॉस्फोलाइपिस ए टू क्या करेगा जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड है उसको अरेकेडोनिक एसिड में कन्वर्ट करेगा ना अरेकेडोनिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इन टू एनटोबरॉक्साइड साइक्लो ऑक्सीजन इज योर एनजाइम साइक्लो ऑक्सीजनिजाकेडोनिक एसिड को एंडोपरॉक्साइड में कन्वर्ट करेगा ना एंडोपरॉक्साइड विल बी स्पॉन्टेनियसली कन्वर्टेड into थ्रोम्बॉक्सिन A2. टू विल बी स्पॉन्टेनियसली कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बोक्सिन ए टू ठीक है अब ये जो थ्रोम्बॉक्सनेटू बना देखो एंजाइम वाज फर्स्टफुल एपीज ए टू ना और बना कौन प्रोडक्ट थ्रोबॉक्सने टू अब थ्रोम्बॉक्सनेटू का बस काम क्या है इट इज इंपोर्टेंट वैसो कंस्ट्रक्शन एंड इट्स इट प्रमोट सैग्रीगेशन तो अब ये दो चीज़ें याद रखिए तो भी इट्स तो इनफ तो कि थ्रोम्बोक्सिन जो है इट इज एक्टिवेटेड बाय द एंजाइम फॉस्फोलाइप ए टू मेमरिन फॉस्फोलिपिस आर कन्वर्टेड इनटू टू थ्रोम्बॉक्सिन ए टू इट इज अ पोटेंट वैसो कंस्ट्रक्टर एंड प्रमोट्स एग्रीगेशन ठीक है सेरोडोरिन का भी काम यही है कि वैसो कंस्ट्रक्शन प्रमोट करेगा और हिमोस्टास प्रमोट करेगा ठीक है इसलिए ये देखो वैसो कंस्ट्रक्शन प्रमोट रहा है इसलिए जो हमने पहले वैसो कंस्ट्रक्शन पढ़ा था पहला इनिशियली इट वॉज अ मैकेनिकल रिस्पॉन्स लेकिन बाद में इट वॉज मेंटेन बिकॉज ऑफ द सेरोटोनिन विच वॉज रिलीज फ्रॉम द प्लेटलेट्स ओनली तो ये एक अगेन ये एक साइकिल हो गया ठीक है नाउ थ्रू थ्रोम्बोस्पोंडिन एंड थ्रोम्बोनेक्टिन थ्रोम्बोस्पोंडिन और थ्रोम्बोनेक्टिन का भी यही काम है द प्रमोट एक्सोसाइटोसिस ऑफ द ग्रेन्यूअल्स ऑफ द प्लेटलेट्स ठीक है एंड रिलीज द कंटेंट आउट ऑफ इट ठीक है ना इसलिए ये पूरी प्रोसेस होने के बाद सबसे पहले क्या वेसो कंस्ट्रक्शन उसके बाद में टेम्प्रेरीमोस्टैटिक प्लग फॉर्मेशन टेम्प्रेरीमोस्टैटिक प्लग फॉर्मेशन में प्लेटलेट एडिशन प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड रिलीज रिएक्शन ये चार स्टेप्स होने के बाद अ प्राइमरी प्लेटलेट प्लग इज फॉर्म्ड एंड इट इज नॉट अ स्टेबल वन दर फोर इट इज नोन एज टेम्प्रेरी प्लेटलेट प्लग ओके ये वाला हमारा हमने प्राइमरी हेमोस्टासिस पूरा कर लिया नाउ विल बी डूइंग सेकेंडरी हिमोस्टाइसिस विच इज डेफिनेटिव हिमोस्टाइसिस या फिर ब्लड को एगुलेशन इसको डेफिनेटिव हिमोस्टाइसिस बोलो ठीक है या फिर सेकेंडरी प्लग फॉर्मेशन सेकेंडरी परमानेंट डेफिनेटिव एनी टर्म यू कैन यूज ठीक है नाउ ये ये जो है डायग्राम हम वापस इसमें आएंगे डूइंग वीजन ठीक है सो नाउ वट इज क्वेगुलेशन क्वेगुलेशन ऑफ ब्लड अकर्स ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स ठीक है अब एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स सारे हैं विल डू इट वन बाय वन ये जो सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स है दिस आर नॉर्मली प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन दर इनएक्टिव फॉर्म तो व्हाट इज कोएगुलेशन को ऑफ ब्लड क्या होगा ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है विच आर नॉर्मली प्रेजेंट इन द इनएक्टिव फॉर्म उनको एक्टिवेट करना उनको एक्टिवेट कर दिया तो फिर वो सीधा प्लग फॉर्म करेंगे ठीक है नाउ दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डेफिनेटिव प्लग या परमानेंट हिमोस्टैटिक प्लग ठीक है ना फैक्टर वन इज फाइब्रिनोजन ठीक है यही सबसे दिस इज योर प्लाज्मा प्रोटीन एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लोडिंग फैक्टर ठीक है बाकी सारे नेम्स विल कम बैक एंड डू इट ये वाला और ये वाला हम बाद में रिवाइज करेंगे ठीक है ना वॉट इज ब्लड को बेसिकली इट अकर्स इन थ्री स्टेप्स कौन से थ्री स्टेप्स फर्स्ट एक्टिवेशन ऑफ द स्टूअर प्रॉवर फैक्टर या फिर प्रोथ्रॉम एक्टिवेटर वॉट इज योर श्यूअर्ट प्रॉवर फैक्टर इसमें से कहाँ पर फैक्टर टेन फैक्टर टेन इज योर टूअ प्रोवर फैक्टर दैट इज योर फर्स्ट स्टेप कि फैक्टर टेन को एक्टिवेट करो इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोथ्रॉमबिन एक्टिवेटर अभी प्रोथ्रॉम्बिन एक्टिवेटर है मतलब इसको एक्टिवेट करेगा प्रोथ्रॉम्बिन को एक्टिवेट करेगा उसको क्या में कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में दिस इज योर सेकंड स्टेप एंड फिर जो थ्रॉम्बिन बना इट विल कन्वर्ट फाइब्रेनोजन टू फाइब्रेन सो दट इज योर थर्ड स्टेप तो पहले प्रोथ्रॉम्बिन एक्टिवेटर बना इट विल कन्वर्ट प्रोथ्रॉम्बिन टू थ्रॉम्बिन एंड देन थ्रोमिन विल कन्वर्ट फाइब्रिनोजन टू फाइब्रेन ओके तो अब एक्टिवेशन ऑफ स्टूअर्ट फैक्टर कैसे होता है फैक्टर टेन ये कैसे एक्टिवेट होता है तो बेसिकली इसके दो मैकेनिज्म हैं इंट्रेंसिक मैकेनिज्म और एक्सट्रेंसिक मैकेनिज्म ओके सो विल डू बोथ वन बाय वन एक्टिवेशन ऑफ स्टूअर्ट प्रॉवर फैक्टर ठीक है सो नाउ टेन इज ऑल्सो नोन एज प्रोथ्रॉम्बेन एक्टिवेटर इट कन्वर्ट्स प्रोथ्रॉम्बेन टू थ्राम्बिन हो गया ये ओके okay? ना दो मैकेजम्स है एक्सट्रेंसिक इंट्रेंसिक हो गया ना व्हाट इज इंट्रेंसिक मैकेनिज्म इंट्रेंसिक मैकेजम्स में बेसिकली फोर स्टेप्स रहते हैं ठीक है दिस अकोज ड्यू टू कॉन्टैक्ट विथ कोलाजिन इसका रीजन इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों अकर होता है दिस अकोज ड्यू टू कॉन्टेक्ट विथ कोलाजिन बाई फैक्टर ट्वेल्व तो बेसिकली जब वो वेसल डैमेज होगा और ये ब्लड वेसल है ये यहाँ पे डैमेज हो गया तो यहाँ पे फैक्टर ट्वेल्व ब्लड में घूमता रहेगा राइट तो अब ये फैक्टर जो फैक्टर ट्वेल्व यहाँ पर जो कोलाजिन एक्सपोज हुआ है वो कोलाजिन के कॉन्टैक्ट में आएगा तो फैक्टर ट्वेल्व विल गेट एक्टिवेटेड गे गे और इंटरनसिक फैक्टर इंट्रेंसिक पाथवे जो है दैट विल एक्टिवेट सो फर्स्ट स्टेप इज फैक्टर एक्टिवेशन ऑफ ठीक है अब ये एक्टिवेशन में कौन हेल्प करेगा हाई मोलिकुलोवेट काइनोजन एंड कैलिक्रेन एस को फैक्टर्स आई मेक यू लर्न दिस डोंट वरी हम करेंगे ये चीजें हाई मोलिकुलोवेट काइनिनोजन एंड कैलिक्रीन पहले समझ ले सेकेंड स्टेप क्या है एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर इलेवन ट के बाद इलेवन इलेवन में क्या ये जो एक्टिवेटेड ट्वेल्व ए है एक्टिवेटेड ट्वेल्थ फैक्टर दिस विल कन्वर्ट इन एक्टिव इन एक्टिव इलेवन फैक्टर टू द एक्टिवेटेड ठीक है सो नाउ हाई मोलिकुलोवेट काइनिनोजन जो है दैट विल एक्ट को फैक्टर यहाँ पर हाई मोलिकुलोवेट काइनिन ओजन के साथ कैलिक्रिन भी एक्ट कर रहा था यू आर ओनली हाई मोलिकुलोवेट काइनिन ओजन ओके देन एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर नाइन सी ट्वेल्व के बाद इलेवन और इलेवन के बाद नाइन वाई नाइन टेन कहा गया सो so बेसिकली हमारा काम ही है कि टेन को एक्टिवेट करना सो कीप टेन असाइज पहले फैक्टर ट्वेल्व फिर इलेवन फिर नाइन और उसके बाद आ, सीधा फैक्टर टेन ठीक है तो नाउ एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर इलेवन कैसे हुआ देख लिया ट्वेल्व ने किया हाई वेट कैनोजन ने हेल्प किया एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर नाइन कैसे हुआ इलेवन ने हेल्प किया एंड ये इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर नाइन इज एक्सेंचुएटेड बाय सेवन ए फैक्टर सेवन ए या मैं आगे भी मैं आपको बताऊंगी ठीक है एंड हियर कैल्शियम एक्स एज अ को फैक्टर नाव नेक्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ टेंथ विच इज़ एस टू फैक्टर इधर कौन हेल्प करेंगे प्लेटलेट्स कैल्शियम एंड एट ए यहाँ पर एट ए हेल्प करेगा अब एट ए के बारे में क्या है बेसिकली एट ए इज प्रेजेंट इन सर्कुलेशन इन एक्टिव फॉर्म में वो वॉन विलीब्रांड फैक्टर के साथ एज अ कॉम्प्लेक्स में रहता दैट इज इज इन एक्टिव फॉर्म अगर फैक्टर एट को वॉन विलीब्रांड फैक्टर के साथ अलग कर दिया जाए तो फैक्टर एट बिकम्स एक्टिव और ये एक्टिव हो जाएगा तो इट विल प्रमोट द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर टेन फैक्टर टेन का एक्टिवेशन प्रमोट करेगा तो और फैक्टर टेन अगेन इसका सेपरेशन फ्रॉम द वन विलीब्रैंड फैक्टर एक्टिवेट करेगा सो अगेन दिस बिकम्स अ साइकिल तो क्या हो गया फैक्टर एट सर्कुलेट्स एज अ कॉम्प्लेक्स विद वन विन फैक्टर सेपरेशन हो गया उसका अगर वन विलीब्रेंड फैक्टर के साथ तो वह एक्टिवेट हो जाएगा यह एक्टिवेशन में और कौन हेल्प करता है फैक्टर टेन एंड फ्रॉमेन तो बेसिकली टेन इधर भी एक्टिवेट कर रहा है और ये सेपरेशन होने के बाद ये टेने को एक्टिवेट कर रहा है सो दिस बिकम्स अ विशियस साइकिल ओके देन एक्सट्रेंसिक पाथवे में क्या है वहाँ पे इंट्रेंसिक में हमने क्या क्या देखा इंट्रेंसिक में हमने देखा कि सबसे पहले ट्वेल्थ एक्टिवेट हुआ देन इलेवेंथ एक्टिवेट हुआ एंड देन नाइन्थ उसने टेंथ को किया अब एक्सट्रेंसिक में क्या है हम देखेंगे ओके okay? सुना so, और इंट्रेंसिक uh, वाला क्यों हो रहा था बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर ट्वेल्व ड्यू टू इट्स कॉन्टैक्ट विद कोलेजन ठीक है अब एक्सट्रेंसिक पाथवे में क्या है रिलीज ऑफ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो टिश्यू डैमेज हो रहा है इट इज रिलीजिंग टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फ्रॉम द इंजर्ड टिश्यू ठीक है थ्रोम्बोप्लास्टिन uh, निकल रहा है फ्रॉम द इंजर्ड टिश्यू अब ये जो है दिस इज एक्सटेंसिव टू द सर्कुलेटिंग ब्लड ये टिश्यू में था ये सर्कुलेटिंग ब्लड में नहीं था इसीलिए हम इसको एक्सटेंसिव पाथवे बोल रहे हैं ठीक है ना अब ये क्या गया जो थ्रोम्बो प्ला थ्रोम्बो प्लास्टिन से जब फैक्टर सेवन कॉन्टैक्ट में आएगा तो इट विल बिकम एक्टिवेटेड फैक्टर सेवन का, का काम क्या था नाइन को एक्टिवेट करना नाइन को एक्टिवेट करना और नाइन कहाँ पे था हमारा इंट्रेंसिक पाथवे में इसका मतलब ये है कि एक्सट्रेंसिक पाथवे हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ इंट्रेंसिक पाथवे ठीक है सो एक्सट्रेंसिक पाथवे इन्फ्लुएंसेस इंट्रेंसिक मैकेनिज्म एज वेल और अब जो फैक्टर सेवन बन गया इट विल एक्टिवेट फैक्टर टेन अगेन यहाँ पे कौन हेल्प करेगा कैल्शियम थ्रोम्बोप्लास्टिन और फॉस्फोलिपिड दिस फॉस्फोलिपिड इज ऑफ प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स का जो मेम्रीन फॉस्फोलिपिड रहता है वो ये है ओके विच एक्स एज अ को ठीक है सो नाओ नेक्स्ट दिस वॉज योर एक्टिवेशन ऑफ टूअ प्रॉवर फैक्टर देन इट इज योअर एक्टिवेशन ऑफ थ्राम्बिन फ्रॉम द प्रोथ्रामबिन तो ये कौन करेगा थ्रामबिन फ्राम प्रोथ्रॉबिन ट्यूअर प्रॉवर फैक्टर विच इज योर प्रोथ्रॉम्बिन एक्टिवेटर ठीक है उसका नाम ही है सो नाउ दिस अगर्स बाई टेन ए हेल्प कौन करेगा प्लेटलेट सॉरी प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड कैल्शियम एंड फैक्टर फाइव ए फाइव ए का इसके लिए नाम क्या है एक्सेलरेटर ग्लोबिलिन इसको एक्सेलरेटर क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल है ठीक तो है इसमें से फाइब्रीनोप्टाइड एंड बी इन दोनों को रिमूव कर देगा तो ये जो फाइब्रिन का तुम्हारा फाइब्रिन है इट विल बिकम फाइब्रिन मोनोमर तो दैट इज योर फर्स्ट स्टेप फर्स्ट फंक्शन ऑफ द थ्रोम्बिन नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर मतलब कौन फैक्टर टेन इसका फॉर्मेशन इसका फॉर्मेशन कैसे प्रमोट करेगा बाय एक्टिवेटिंग फैक्टर एट फाइव एंड थर्टीन इन लोग को एक्टिवेट करके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन बढ़ाएगा सो दिस ऑल्सो बिकम्स पॉजिटिव फीडबैक रेगुलेशन ठीक है सी पहले क्या हुआ ये ये जो सारे फैक्टर्स थे दिस विल हेल्प इन योर फॉर्मेशन ऑफ फैक्टर टेन विच विल फॉर्म थ्रोम्बेन थ्रामबेन क्या कर रहा है इन लोगों को एक्टिवेट कर रहा है सो दिस बिकम्स अ साइकिल ठीक है सो नेक्स्ट इज़ योर एक्टिवेटर ऑफ प्लेटलेट्स इनहिबिट्स फाइब्रीनोलिसिस फाइब्रीनोलिसिस प्रिवेंट करेगा एंड रिपेयर ऑफ ब्लड वेसल्स वॉल्व तो अब ये तुम्हारे पाँच फंक्शन है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन मोनोमर में कन्वर्ट करना फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर पॉजिटिव फीडबैक रेगुलेशन हो गया एक्टिवेटर ऑफ प्लेटलेट्स इनिवेटर ऑफ फाइब्रिनोलिसिस एंड रिपेयर ऑफ द ब्लड वेसल वॉल ऑल्सो इनिवेटर ऑफ थ्रोम्बिन ये एक एम सी क्यू है इनिविटर ऑफ थ्रोम्बिन कौन है एंटी थ्रोम्बिन थ्री एंटी थ्रोम्बिन थ्री इज या इनिवेटर ऑफ थ्रोम्बिन ठीक है जो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट करना होगा तो ये कौन करेगा थ्रोम्बिन करेगा अब नाउ दिस आल्सो अकर्स इन थ्री स्टेप्स फर्स्ट प्रोटियोलिस ऑफ सल्यूबल फाइब्रिनोजन जो फाइब्रिनोजन ऑलरेडी ब्लड में अपने प्लाज्मा में प्रेजेंट है तो इट इज सोल्यूबल तो पहले उसका प्रोटियोलिसिस करना फिर वो जो फाइब्रिनोजन का प्रोटियोलिसिस हो जाएगा फाइब्रिन मोनोमर्स फॉर्म होंगे तो वो मोनोमर्स का पॉलीमराइजेशन करना एंड फाइनली जब एक क्लॉट फॉर्म हो जाएगा तो उसका स्टेबलाइजेशन करना दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस इज अ थर्ड स्टेप ठीक है सुना so बेसिकली कैसे फॉर्म सेल्यूबल फाइब्रीनोजन को कैसे ये करेगा जो टू फाइब्रिनोपैप्टाइड्स है ए एंड बी वो उनको रिमूव करके फॉर्म्स मोनोमर्स ऑफ द फाइब्रिन सो दैट इज द फर्स्ट है प्रोटीलिस ऑफ द सेल्यूबल फाइब्रीनोजन किसको निकाल रहा है यू हैव टू रिमेंबर फाइब्रिनोपैप्टाइड्स ए एंड बी देन पॉलिमराइजेशन ऑफ द फाइब्रिन मोनोमर मोनोमर्स जो बनते हैं उनका पॉलिमराइजेशन होना सो मल्टीपल मोनोमर्स विल जॉइन टू फॉर्म प्रोटोफाइब्रिल्स और प्रोटोफाइब्रिल्स विल ब्रांच आउट तो जो प्रोटोफाइब्रिल्स बन गए सपोज ऐसे सो so, दिल विल ब्रांच आउट ये ब्रांच आउट होने की वजह से क्या हो जाएगा मेशवर्क फॉर्म हो जाएगा जो मेशवर्क फॉर्म हो गया आ, उसमें कौन हेल्प कर रहा है ये कंप्लीट करने के लिए पॉलीमराइजेशन ऑफ फाइब्रिल मोनोमर उसमें थर्टीन ए ये वाला फैक्टर हेल्प कर रहा है ठीक है थर्टीन ए इज हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोफाइब्रिल मेशवर्क ठीक है नेक्स्ट इज स्टेबलाइजेशन ऑफ फाइब्रेन पॉलीमर अब जो फाइब्रेंड पॉलीमर बन गया उसका स्टेबलाइजेशन कैसे होगा तो स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो है थर्टीन ए अगेन इट विल हेल्प ये कैसे करेगा बाय क्रॉस लिंकिंग उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग कर देगा तो उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी सो so, जो मल्टीपल प्रोटोफाइब्रल है जो ऐसे ब्रांच आउट कर चुके हैं उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग प्रोड्यूस कर देगा सो दिस विल स्ट्रेंथन द क्लॉट ठीक है कैल्शियम एक्स एज अ को फैक्टर दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लड क्लॉट्स और ये जो मेशवर्क बना इसमें रेड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर ऑल्सो ट्रैप्ड विद इन द फाइब्रिन मेशवर्क ठीक है और फाइनल स्टेप अभी देखो फर्स्ट विल जस्ट गो थ्रू दिस क्या हुआ पहले एक्टिवेशन ऑफ टूवर्ड प्रॉवर फैक्टर में इंट्रेंसिक पाथवे एक्सट्रेंसिक पाथवे से एक्टिवेट हुआ सोअर्ट पावर फैक्टर उसने क्या किया प्रोथ्रामिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया ये थ्रोम्बिन के मल्टीपल फंक्शंस हैं फिर जो थ्रोम्बिन uh, बना उसने फाइब्रनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया और कैसे फाइब्रनोजिन का पहले प्रोटियोलिसिस किया जो फाइब्रिन मोनोमर्स बना उसको पॉलीमराइजेशन किया और जो पॉलीमराइजेशन uh, होने के बाद वो क्लॉट का स्टेबलाइजेशन किया ठीक है uh, तो वो हो गया लास्ट स्टेप इज योर क्लॉट रिट्रैक्शन तो क्लॉट रिट्रैक्शन बेसिकली क्यों होता है जो फाइब्रिन थ्रेड्स बन गए ना वो पूरे डायरेक्शन में स्प्रेड होते हैं एंड दे टू द एंडोथिलियर वॉल ऐसे जो फाइब्रिन थ्रेड्स होते हैं पूरे एंडोथिलियर वॉल से अर्डियड रहता है सो so नाउ ये सीरम को भी ट्रैप करते हैं विद इन इट तो जब वो पूरा बन जाता है क्लॉट जिसमें सीरम भी पूरा ट्रैप हो गया रेड सेल्स ब्लेटलेट सब ट्रैप हो गए फिर वो क्या करेगा इन मिनट्स टू आवर्स वो क्लॉट श्रिंक हो जाएगा श्रिंक हो गया तो उसके अंदर का जो फ्लूइड है वो ऐसे बाहर एक्सुडेट हो जाएगा ठीक है फ्लूइड एक्सूडिंग सीरम आउट ऑफ इट ठीक है सीरम उसके बाहर निकल गया तो क्लॉट ऐसे श्रिंक हो जाएगा श्रिंक हो गया तो इससे क्या होगा कंसोलिडेशन ऑफ द थ्रोम्बस ये जो थ्रोम्बस बना नाउ इट इज मोर स्ट्रॉन्ग और ये जो फाइबेनोलिटिक एजेंट्स है वो उसको रेजिस्टेंट है तो थ्रोम्बोलिसिस कम हो जाएगा एंड इट फैसिलिटेट्स हीलिंग तो ये उसके तीन फंक्शन है फैसिलिटेट्स हीलिंग डिक्रीजेस थ्रोम्बोलिसिस एंड कंसोलिडेशन ऑफ थ्रोम्बस ठीक है सो दिस वॉज इट अभी हम इससे एक बार रिवाइज कर लें इंट्रेंसिक पाथवे क्या होगा बेसिकली वैस्कुलर इंजरी हो गई तो कोलाजिन एक्सपोज हो गया कोलाजिन एक्सपोज हुआ तो उसने किसको एक्टिवेट किया ट्वेल्थ वाले फैक्टर को यहाँ पे पहले कौन हेल्प कर रहा है हेमोलिकुलोवेट काइनिनोजन एंड कैलिक्रिन फिर फैक्टर इलेवन एक्टिवेट हो गया इसमें कौन हेल्प कर रहा था एक्टिवेशन में ओनली हाइमोलिकुलोवेट काइनिनोजन ओके एंड देन जो फैक्टर ट्वेल्थ uh, के बाद इलेवन uh, उसके बाद नाइन इसमें कैल्शियम हेल्प कर रहा था सो so, नाओ यहाँ पे जो ओके okay, ये जो नाइन्थ फैक्टर बना है इसका एक्सेंचुएट कौन कर रहा है फैक्टर सेवन सो देर फोर वी कैन ऑल्सो से एक्सट्रेंसिक पाथ हुए इन्फ्लुस इंट्रेंसिक पाथवे नाउ फैक्टर नाइन जो है दैट विल कन्वर्ट दैट विल एक्टिवेट द टेंथ फैक्टर और टूअर्ड प्रॉवर फैक्टर ठीक है एक्सटूंसिव पाथ में क्या था टिश्यू इंजरी हुई वैस्कुलर इंजरी हुई इसमें क्या होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा फ्रॉम द टिश्यूज जो सेवेंथ फैक्टर को एक्टिवेट तो करेगा ठीक है अब ये भी सेम uh, चीजें इसमें भी हेल्प करी है सिर्फ फैक्टर एट के बारे में क्या बोला था कि इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ वन विलीब्रांड फैक्टर और इनका जब ये टूट जाता है तब इट बिकम्स एक्टिवेटेड ठीक है तो अब ये एक्टिवेट हो गया तो हमारा तुम्हारा फैक्टर व्हाट विल इट डू प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन क्या करेगा फाइब्रीन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा एंड फाइनली फाइब्रिन का जो है स्टेबलाइजेशन ऑफ द क्लॉट हो जाएगा इसमें कौन हेल्प करेगा फैक्टर थर्टीन ठीक है सो दिस दिस वॉज योर थिंक ट्वेल्व फिर इलेवन फिर नाइन फिर टेन और एक्सटेंसिक पाथवे में सेवन और फिर ये नाउ सेवन इज एक्सटेंशुएटिंग फैक्टर नाइन्थ ठीक है एक्टिवेशन में यहाँ पे फैक्टर एट है नाइन और टेन के बीच में एट है जब फाइनली स्टेबलाइजेशन uh, करना पड़ेगा तब फैक्टर थर्टींथ आएगा ठीक है सो दीज आर योर मेन फैक्टर्स एक होता है फैक्टर फाइव विच हेल्प्स इन यूर डिसकन्वर्जेंसी यहाँ पे यहाँ पे जो है योर फैक्टर फाइव इज हेल्पिंग ठीक है हो गया ना वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये फ्लोटिंग फैक्टर्स सर फर्स्ट इज फाइब्रीन ओजन सेकेंड इज फैक्टर टू इज प्रोथ्रोम्बिन ठीक है थर्ड इज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ये सब तो ठीक है इजी ये लर्न ही करना पड़ेगा फैक्टर फोर जो है कैल्शियम आयन फैक्टर फाइव इट इज़ नोन एज प्रो एक्सेलरीन क्यों बोल रहे हैं इसका एक्सेलरीन इसका नाम क्यों है क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्राम्बिन टू थ्राम्बिन ठीक है नेक्स्ट इज प्रो कन्वर्टिन प्रो एक्सिलेरिन प्रो कन्वर्टिन ऐसे कुछ स्ट्रिक प्रो प्रो का ट्रिक बना लो फैक्टर ए सी सारे फैक्टर्स है वन टू थ्री फोर फाइव फैक्टर सिक्स एग्जिस्ट नहीं करता ओके okay? फिर फैक्टर सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन ओके सो ना प्रो एक्सलिन प्रो कन्वर्टिन हो गया फैक्टर एट इज योर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, ओके, फैक्टर नाइन इज योर क्रिसमस फैक्टर दिस इज इंपॉर्टेंट क्रिसमस फैक्टर है नाइन्थ वाला ओके दिस नेम इज इम्पॉर्टेंट यू कैन ऑल्सो कॉल इट एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी

ठीक है इट इज़ फाइब्रेंट स्टेबिलाइजिंग फैक्टर एच एम डब्ल्यू किया गया था हाई मोलिकुलोवेट काइलिनोजन विच वॉज इज हेल्पिंग इन योर फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेप ये इसके एक्टिवेशन में और इसका एक्टिवेशन में ठीक है प्री के क्या है प्री कैलिक्रीन के क्या है कैलिक्रिन एंड फॉस्फोलिपिड क्या है, है? ये क्राई का फॉस्फोलिपिड है प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड है ठीक है सो दिस वॉज इट फॉर टुडे इफ यू गाइज लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू